कीजिए आप लोग, देखते रहिए आप लोग, देखते रहिए, शांति रहिए थोड़ा। कैसन दारू है राज भरावन था वही इंद्र के हाथ से इस शराब नहीं है महाराज सुरा है सुरा चलो पिलाओ मुझे इसे पियावा महाराज पियावा कोई अच्छा सा नगमा पेश करे हाँ अच्छा हाँ अच्छा न गोबड़ा उड़ा हो जाए हे कान कारण ये राजा भैया बा हे कान कारण ये राजा हर काम करना काम कारण ये छला हर काम करना तू तो पिया ताड़ा बीस किया राम तू तो पिया ताड़ा बीस किया राम पियर का तानी काम करना तू तो पिया ताड़ा बीस किया राम पियर का ओ काम करना
से किया तू तो पिया ताड़ा भी से किया पियार का ताने काम करना तू तो पिया ताड़ा भी लोदियाना में तू ताड़ा ड्यूटी पछुआ बयार मोर बिगाड़ जय हो बा भैया बा ऐसे अच्छा लगा जाता ऐसे नहा जाया आगे अल्लाह जी की है यार की यादव जी और आगे साथ में निनका यादव उनकी तरफ से 21-21 रुपए का पुरस्कार नमस्ते करती हूँ। तू तो लुधियाना में तू करता ड्यूटी पाछुआ बयार मर बीगा हाँ भाइयों देखिए ये अमरनाथ का गिफ्ट है जो कि डॉक्टर साहब धर्मापालिक क्लिनिक जो अमरनाथ को काम पर खुश होकर दिए हैं। मैं उन बड़े भाई को चरण स्पर्श करता हूँ करना तू तो पिया ताड़ा भी से किया तू तो पिया ताड़ा भी से किया पियार का तानी काम करना तू तो पिया ताड़ा हाँ भाइयों ये 200 रुपए 100 रुपए राम ख्याल यादव जी और 100 रुपए शैलेश यादव जी रावण के काम पर दिए हैं। मैं उन भाई साहब का इस ज्योति रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। द्वारपाल गाना अच्छा ना बहुत बढ़िया गाना गावा हे लेकिन कहने का है मास्टर जी हर देख के मेरा खिलता हुस्न सबा हर बंदी बहुत अली सहरा जामे आंखों हो
प्यार का नूरी हूँ मैं, नशे में चूरी हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर हूँ मैं, प्यार का नूरी हूँ मैं। ए आगे तारा सितारा, तारा सितारा उनकी तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार है, नमस्ते करती हूँ। प्यार का नूर हूँ मैं, नशे में चूर हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर हूँ मैं, प्यार का नूर हूँ मैं। ओ मेरी पायल की खता, सारे जख्मों की दवा, टूटे दिल जोड़ती है मेरी धड़कन की दवा, गोरी रंगों से आजल चलकाऊंगी, ऐसी मस्ती लगों से बिखराऊंगी। ए मास्टर तुम शराबों से नाता तोड़ दोगे, तुम शराबों से ना। हेलो ए आगे तारा सितारा दोनों भाइयों की तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार है। मोरे बिरना हो, अरे मोरे बिरना, नकियो कनवो कट गए मोरे बिरना, अरे मोरे बिरना हो, अरे मोरे बिरना, नकियो कनवो कट गए मोरे बिरना। You shut up, Karan. कहां का चबाऊ है? अरे अखिया बच्चा सूर हो गया, कौन है इनका जब नाक कटा है हमारा अखिया चली जाए, चली जाए और कहां जा रहा हूं? कौन विलाप कर रहा है?
कितना सुंदर रहे। अरे का करे चली गए तारपाल, बताओ सूप नखे किसने तुम्हारे साथ यह कुकृत किया? उनकी भी मैं नाक नहीं रहने दूंगा। भेजो नथुनों की राह नहीं, मेरी चाकन ना सुने दूंगा। एकदम सही महाराज, बहुत सही कहा था ना। और सुनो मेरी बात को, सूप लगाओ नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने में होती है ठाक नहीं ऊंची। और सुनो मेरी बात को, सूप लगाए मैं चला नाक के सीधा में, नाक पर उनको पकड़ूंगा तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लगे तो नाक छेद उसमें नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चने चबा दूंगा। बहुत सही महाराज। और सुनो मेरी बात को, सुन के क्या डरा था पाताल नाक, मेरा पिनाक ने जीते हैं पैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक खाट पर पीते हैं। और सुनो मेरी बात को, सुन के यह समाचार या दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था उन कुल भूसर से नहीं कहा। अरे क्या तुम खरदूसर के पास नहीं गई थी? क्या बात कर रही हो तुम? खरदूसर का भी वध कर दिया उन्होंने। अरे नाते काट बहुत खराब है। सुनो सूप लगे, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। वह अपना परिचय देने को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है पिछड़े ऋण से अब मुक्ति मुझे। बहुत सही कह रहे हैं आप, निश्चय ही वे अवतारी हैं तो बार भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। बहुत सही महाराज। यह मौत नहीं यह मोक्ष है, लड़ना नहीं मिलन है यह। पूरी आशा भर वह भी हो सर भी उनका हो तो भाव सागर तरना है यह। बहुत सही महाराज, बहुत सही। कौन सूप नखे हमरे बड़ी दर्द होता। अरे जब काटे अब दर्द तो हो ही करे, दवाई ना ले रहा हूं। वे काटे नाक कांतरी तो चिंता जमाने में तो टीटे पेस भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। अब तो बदला ले ले, तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला उनसे अभी चुकाता हूँ। मार काट काट के फेंक दो, जन को छोड़ना नहीं। चिंता मत करो सूप लगे, मैं भी जा रहा हूँ,
तुम्हारे इस कुकृत का बदला उन तपस्वियों से लेकर आता हूँ। आप सुई दवाई ले लो, ठीक रहा, हम लोग जा से मार के आए। अब तो हो ही जोर हो रहा, अब जा दवाई वे करा, तुम जाओ, तुम दरबार में जाओ। अब मैं चलता हूँ मामा मारिच के पास और सीता को हरने के लिए उससे कुछ माया करने के लिए कहता हूँ। चलिए महाराज। मामा मारिच, मामा मारिच, सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो, आज मैं तुमसे कुछ सहायता के लिए आया हूं। संकट में संग हो प्यारों के, यही प्यारों का कर्म, यही न्योछावर राज मुकुट पर हो है प्रजा जनों का धर्म, यही दो तपसी लड़कों ने बन में वह करनी बेहुदा की है, खर दूसर त्रिसड़ा मारे हैं, नकटी स्त्री सुपड़ खा की है, इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, इस नाक काटने का बदला अब उनकी भार्या हर लेना है। सुनो मेरी बात को, मैं क्या सहायता चाहता हूं तुमसे, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मेरी बात को सुन रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह विश्व यज्ञ वाला आज छूटा प्राण आंखों में है, सजो जन पर फेंका I'm
उपदेश सुना मारिच मेरी बात को। सर्व खलबंद जब ब्रह्म है तो छोटा सारा नाता है। तू किसको ज्ञान सिखाता है, क्या खत क्या बनके मुझको समझाता है। मेरी बात सुनो, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। सुनो रावण मेरी बात, परवंश क्या है, परवंशता है, सभी भात मौत ही आई है, किसी और की रूते लिखी है। रावण काचर मरे पहना कबूल बे, लेकिन बात ठीक है रावण, मैं तुम्हारी बात जाने के लिए तैयार हूँ। चलो चलो मेरे साथ। महाराज चलें आप, हमें नहीं लिया एक आवत है। ठीक है, रावण काचर मरे, राम के हाथ से मरे तो स्वर्ग में पहुंच जाए। एकदम मृग छाला पहन के हाँ तुम मृग बन जाना और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जाओ। एक बोल बन पीछे मना ही है भाई, तो थोड़ा पीछे हो जाते यार। इंसान है कम से कम, इंसान को बढ़ चाहिए था कहना, पाछे वाले तो हम लोग। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया जी, बल्कि बढ़िया। हाँ कहिए सीते। मृग ऐसा तो देखन सुना जैसा ये बड़ चलो न है, देखो तो सर से पाव तल सारा ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी, सोने की मृग की मृग चाल क्या अद्भुत यादगार। ठीक है सीते, मैं जा रहा हूँ और मृग को मार कर लाऊंगा। लक्ष्मण तुम सीता का ख्याल रखना।
देवर देवर जाके देखो रघुराई तुम्हें तेरते हैं पाँव के थके हुए बाजी भाई के ताज है भगवान न जाने अपने सुध कितने कष्ट अपने निज में है लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं परमेश इसमें दुख ये देखिए एक छोटा बच्चा सीता का काम कर रहा है अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं तो आप लोग क्षमा करिएगा माता मेरी बात सुनिए ओ लक्ष्मण माता रखिए धीर और दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा और सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा और सुनो माता अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा मेरी बात सुनो माता ओ लक्ष्मण मेरा इस समय धर्म यह है निज रहूं आपकी रक्षा पर और सर्वस्व न्योछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर और सुनो माता यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल भाई चारों ओर घनेरा है माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है लक्ष्मण मेरी बात सुनो कहिए माता अब मैंने जान लिया है मतलब का भाई चारा है इन घर से पर को जाए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा और सुनो लक्ष्मण कहिए माता सत्य है यह प्रपंचियों में रहकर दुख पाता नहीं कहीं कोई है भाई सा जग में मित्र नहीं और सुनो लक्ष्मण ये माता मेरी तुम चिंता न करो रक्षक है सर्ववेशक मेरे तुम जाओ कहीं चले जाओ जिस जगह आ गए ये माता माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की मैं आज्ञा तुमको देती जाओ सुख देने पर ठीक है माता अगर आप कहती हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप बात सुनिए मेरी माता हे पवन देव तुम साक्षी हो हे पक्षी गलो गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्ला तुम्ही और सुनो माता आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे और रघुराई अगर उलहना दे तुम कह देना अंद्रिंद्र दोष मुझे मैं जाता हूँ माता आप मेरी बात सुनिए जाता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहना और आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना
और इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे या लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। अबे अपनी सीता माता को करवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। ठीक है माता, हमें आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, मेरी माता का ध्यान रखना। ठीक है माता, मैं चलता हूँ। बाबा कई दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। लो जोगी बाबा लो भी लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वो देती हूँ, लो बिच्छा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए स्वीकार से कुशल सही, स्वामी को कोई दो माता। लगता है लक्ष्मण ने और राम ने कोई माया कर रखी है यहां पर। रेखा से बाहर आम आई, जोगी इस तरह लेते नहीं, बधी हुई भिक्षा माई। हे देवी, इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दो, तब मैं तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करूंगा। क्षमा करिए,